दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। दिल्ली में 354 जो है AQI दर्ज किया गया, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। वहां पर आनंद विहार में 350 AQI पहुंच चुका है, वहीं बवाना में 403 AQI जो है दर्ज किया गया, द्वारका में 408 AQI दर्ज किया गया, पूसा में 349 जो है AQI पहुंच चुका है, लोधी रोड में 310 AQI दर्ज किया गया है। तो वही बात करें RKपुरम की तो 398 जो है AQI वहां पर पहुंच चुका है, नोएडा में 298 दर्ज किया गया AQI, ग्रेटर नोएडा में 290 वहां पर AQI पहुंच चुका है, गाजियाबाद में 290 जो है AQI पहुंच चुका है, गुरुग्राम में 356 AQI दर्ज किया गया, फरीदाबाद में 342 AQI जो है दर्ज किया गया। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार प्रदूषण की मार लगातार दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ रही है। लगातार दिल्ली NCR में जो है AQI का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली NCR में लगातार प्रदूषण की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। बवाना में 403 AQI पहुंच चुका है, द्वारका में जो है 408 AQI पहुंच चुका है, पूसा में 349 AQI पहुंच चुका है, लोधी रोड में 310, यानी कि लगातार AQI का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। RKपुरम की अगर बात करें तो 398 वहां पर है, ग्रेटर नोएडा में भी लगातार बढ़ रहा है, नोएडा में भी 298 वहां पर AQI दर्ज किया गया। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर गुरुग्राम में जो है 356 AQI दर्ज किया गया। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज कुमार प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरीके से दिल्ली NCR में प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बात एयर क्वालिटी इंडेक्स की करें तो किस किस इलाके में जो है कितना दर्ज किया गया? जी मनीषा, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार NCR और पूरी दिल्ली प्रदूषण की चपेट में है, और लगभग जिस प्रकार सूत्रों से भी जानकारी है, AQI लेवल जो है बवाना में 403 दर्ज किया गया था और गुड़गांव में भी 300 से पार था, द्वारका में लगभग इस समय 425 के आसपास एक AQI लेवल है, और लोधी रोड पर भी जिस प्रकार 300 दर्ज किया गया है, लेकिन जिस प्रकार RKपुरम में है वो 400 से पार है, और नोएडा में भी 300 के लगभग AQI लेवल है, जो काफी खतरे के लेवल को पार किए हुए है। जी जी मनोज, जिस तरीके से लगातार AQI जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, प्रदूषण की मार दिल्ली वासी को जो है झेलनी पड़ रही है, और ऐसे में अगर बात सरकार की करें तो सुरक्षा के क्या वहां पर उनके द्वारा इंतजाम किया गया, क्या गाइडलाइंस सरकार के द्वारा जो है जारी की गई? जी जी, जिस प्रकार अभी दिल्ली में छठ पूजा का आयोजन काफी जोरों पर है, और लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से प्रदूषण को लेकर काफी पहल की गई थी, लेकिन वो नाकाफी है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं, लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं और उनको प्रदूषण का सामना करना पड़ता है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं वो स्वास्थ्य के साथ दिल्ली वालों के खिलवाड़ हो रहा है, और दिल्ली सरकार जिस प्रकार वाटर कैनिंग फॉगिंग कर रही है, उससे पूरा जो है प्रदूषण का लेवल जो है कम होने के नाम नहीं ले रहा, क्योंकि एक छोटी पहल है। सरकार को अभी भी डीजल गाड़ियों और पराली पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी राज्य में पराली का जिस प्रकार जलाना अभी भी जारी है, और उसका जो असर है वो दिल्ली के काफी बड़े क्षेत्र को कवर कर लेता है, लेकिन अब तो पूरे NCR, गुड़गांव, नोएडा और आसपास के तमाम क्षेत्रों में पॉल्यूशन की मार लोग झेल रहे हैं। जी मनोज, जिस तरीके से लगातार दिल्ली NCR और आसपास के जो इलाके हैं लगातार वहां पर प्रदूषण की मार झेलनी होगी, अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन के द्वारा क्या इंतजाम किए जाते हैं। आप नज़र बनाए रखिए, आप हमारे साथ जुड़े, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।